हेलो माय लवलीस्ट फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, आपने कई बार ऐसे टर्म सुने होंगे, कम्प्लीटली परफेक्ट, वेरी यूनिक। जैसे कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि किसी के बारे में कोई जैसे कह रहा हो, शी हैज़ अ वेरी यूनिक पर्सनैलिटी या ही हैज़ अ वेरी यूनिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। उसका चीज़ों को करने का तरीका बड़ा ही अनोखा है या उसकी पर्सनैलिटी बड़ी अनोखी है, बहुत ही कमाल की है। नहीं तो हम बोलते कई बार दिस इज़ कम्प्लीटली परफेक्ट या दिस इज़ टोटली परफेक्ट, ये बिल्कुल सही है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, वेरी यूनिक, कम्प्लीटली परफेक्ट, टोटली परफेक्ट बोलना गलत होता है। ये जो यूनिक, परफेक्ट, ये जो एडजेक्टिव्स हैं, इनको आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। इनके साथ आप किसी भी एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, यही आज हम सीखेंगे। इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जिससे कि हम करेक्ट इंग्लिश बोल सकें। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और हर बात को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, वो है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, यही आज हम सीखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स को आप सिर्फ एब्सोल्यूट्स भी कह सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स या एब्सोल्यूट्स, तो ये क्या होते हैं, कुछ एक वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स है। ये वर्ड्स हैं दोस्तों, यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, और उसके बाद दोस्तों सुप्रीम या इन्फिनिट। ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने आप में संपूर्णता का भाव रखते हैं। ये वर्ड्स, इनकी जो मीनिंग है, ये अपने आप में परफेक्ट है। इसीलिए इनको किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं होती, किसी एडवर्ब की ज़रूरत नहीं होती जो इनको क्वालिफाई कर सके। इनके साथ मोर, मोस्ट, ये सब लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने आप में परफेक्ट है। तो मैं आपको एक दो पॉइंट्स और बता दूँ कि दीज एडजेक्टिव्स रिफर टू मैक्सिमम कंडीशंस। जैसा कि मैं आपको भी बता रहा था, ये खुद ही अपने आप में मैक्सिमम कंडीशंस को बताते हैं, यानी सबसे ऊपर है। ये सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। वही बात लिखी है दोस्तों मैंने कि दीज एडजेक्टिव्स कैनॉट बी क्वालिफाइड, इनको क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, यानी क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, यानी इनके साथ किसी भी एडवर्ब का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। कैसे, जैसे आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे लाइक डेड और प्रेगनेंट। अगर किसी आदमी की मृत्यु हो गई है तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ डेड। हम ऐसे बोल सकते हैं, ही इज़ वेरी डेड, ही इज़ कम्प्लीटली डेड, ही इज़ टोटली डेड, नहीं बोल सकते ना। अगर बोलेंगे तो गलत करेंगे, क्योंकि डेड तो डेड होता है, उसमें कम्प्लीटली क्या और थोड़ा क्या और कम क्या। जैसे अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, तो हम ये बोल सकते हैं, शी इज़ लिटिल प्रेग्नेंट, शी इज़ वेरी प्रेग्नेंट, नहीं बोल सकते ना, शी इज़ कम्प्लीटली प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट तो प्रेग्नेंट होता है। तो दोस्तों, जैसे ये वर्ड्स, इनके साथ आप किसी एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी क्वालिफाइंग वर्ड नहीं दे सकते। वैसे ही ये जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं, यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, सुप्रीम और इन्फिनिट, इनके साथ भी कोई भी क्वालिफाइंग एडवर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकता, यही कहा गया। तो दोस्तों, दीज एडजेक्टिव्स कैनॉट बी क्वालिफाइड एंड दीज एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज इन दी सुपरलेटिव डिग्री, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। जैसे अगर हमको बोलना हो सबसे अच्छा, तो इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस्ट। उसमें वेरी लग सकता है क्या, वेरी बेस्ट, कम्प्लीटली बेस्ट, नहीं लग सकता ना, टोटली बेस्ट। अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। तो दोस्तों, ये जो वर्ड्स हैं, इनको क्वालिफाई हम नहीं कर सकते। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। जैसे किसी ने कहा अपने नए जॉब के बारे में कि माई न्यू जॉब इज़ परफेक्ट, मेरी नई जॉब जो है वो बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा कोई बता रहा है। लेकिन उसको हम ऐसे नहीं कह सकते, My new job is totally perfect. तो not totally perfect, यानी totally perfect हमको इस्तेमाल नहीं करना, ये लिखा है मैंने। यानी ये जो example है कि my new job is perfect, तो हमको perfect के साथ totally का इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्योंकि perfect अपने आप में बताता है कि हर तरीके से वो चीज़ जो है वो सबसे अच्छी है, वो job जो है वो सबसे अच्छी है, उसमें और सुधार करने की, उसको और अच्छा बनाने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि परफेक्ट एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, उसको वो संपूर्ण मीनिंग रखने वाला एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जांपल देखते हो, वही जो मैं आपसे कह रहा था, शी हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी। अब यूनिक तो यूनिक होता है, अनोखा होता है, उसमें ज़्यादा अनोखा क्या होगा और कम अनोखा क्या होगा, नहीं हो सकता ना। तो शी हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी, वी कांट से वेरी यूनिक, सो नॉट वेरी यूनिक। तो हम वेरी यूनिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके साथ, वेरी, कम्प्लीटली, ये सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शी हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी, या हम कई बार बोलते हैं किसी और के लिए, ओ ही हैज़ अ यूनिक स्टाइल, सो ही हैज़ अ यूनिक स्टाइल, शी हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी, इसमें वेरी वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों, किसी के लिए कहा गया, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर। अब सुप्रीम के साथ ये तो नहीं लग सकता, ही इज़ द वेरी सुप्रीम कमांडर, ही इज़ द कम्प्लीटली सुप्रीम कमांडर, नहीं यूज़ कर सकते हम।
नॉट मोस्ट सुप्रीम या मोस्ट लगा दिया उसके बारे, ही इज़ द मोस्ट सुप्रीम कमांडर, तो मोस्ट कम्प्लीटली ये सब का इस्तेमाल नहीं होगा, इनको क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद है दोस्तों, किसी इंसान के लिए कहा जा रहा है ही हैज़ इन्फिनिट नॉलेज, उसके पास इन्फिनिट का मतलब होता है असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। ही हैज़ इन्फिनिट नॉलेज, यानी किसी इंसान के लिए जो बहुत ही पढ़ा लिखा बहुत ही विद्वान है, उसके लिए कहा जा रहा है कि उस इंसान के पास असीमित ज्ञान है। हम इसको वी कांट से वेरी इन्फिनिट, वेरी इन्फिनिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो नॉट वेरी इन्फिनिट हम, यानी हमको वेरी इन्फिनिट या इन्फिनिट के साथ और दूसरा कोई भी एडवर्ब हमको इस्तेमाल नहीं करना है कि जैसे कम्प्लीटली इन्फिनिट, टोटली इन्फिनिट, इनका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये वर्ड्स जो हैं अपने आप में परफेक्ट है। अच्छा, फिर भी जैसे, अच्छा दोस्तों, ऐसा इसलिए भी होता है कि हम हिंदी में बोलते हैं बिल्कुल परफेक्ट है, हिंदी में ऐसा बोलने के कारण कई बार हमको लगता है कि इसके पहले भी हमको कोई वर्ड लगा देना चाहिए। जैसे ये बातें मैंने अपने और पहले के पिछले वीडियोज़ में भी बताई हैं कई बार, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सबसे बेस्ट, बेस्ट का मीनिंग होता ही है सबसे अच्छा, तो उसमें बेस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है, सॉरी सबसे लगाने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है ना, बेस्ट का मीनिंग ही है सबसे अच्छा, तो फिर उसमें सबसे क्यों लगेगा। जैसे हम बोलते हैं सबसे लास्ट में जो बैठा हुआ है उससे मिल के आओ, लास्ट का मीनिंग ही है सबसे जो अंत में बैठा हो, आखिरी जो है, अंतिम या आखिरी, लास्ट का मीनिंग है, तो उसमें सबसे लास्ट बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर देखा जाए तो हमको इन एडजेक्टिव्स के साथ, जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ हमको कोई भी एडवर्ब लगाने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है तो इनमें से कुछ के साथ आप नियरली या ऑलमोस्ट इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नियरली या ऑलमोस्ट का मीनिंग होता है लगभग, तो जैसे लगभग हम ऐसा बोल सकते हैं ये जॉब जो है लगभग परफेक्ट है, यानी परफेक्ट के जैसी है, ये बोला जा सकता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया थोड़ा सा कि नियरली एंड ऑलमोस्ट कैन बी यूज्ड विद सम एब्सोल्यूट, तो आपको देखना पड़ेगा कि किसके साथ मीनिंग फिट होती है, उसका कोई रूल नहीं है किसके साथ सूट करेगा नियरली या ऑलमोस्ट लगाना, उसके साथ आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, यही जो सेंटेंस था माई न्यू जॉब इज़ परफेक्ट, तो इसमें हम ऑलमोस्ट का या नियरली का इस्तेमाल कर सकते हैं। माई न्यू जॉब इज़ ऑलमोस्ट या नियरली परफेक्ट, कोई कह रहा है कि मेरी नई जॉब जो है वो लगभग परफेक्ट है। तो दोस्तों देखा आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको सीखने के बाद आप बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये ग्रामर का टॉपिक है और आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा इंग्लिश कम्युनिकेशन है, स्पोकन इंग्लिश है। तो मैं आपको जाने से पहले एक आखिरी बात फिर से एक बार बता दूं, और मैंने अपने कई वीडियोज़ में ये बात बोली है कि आजकल लोग बोलते हैं ग्रामर मत पढ़ो, ये सब फैशन बना दिया लोगों ने, ये सब एकदम गलत बात है। आप देख रहे हैं ग्रामर से होकर के ही स्पोकन इंग्लिश का रास्ता निकलता है। अच्छा, ये बात उनके लिए जो बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जो टूटी फूटी गलत सलत इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उनके लिए तो कोई रूल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वो ग्रामर पढ़ें या ना पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स को पास करना चाहते हैं, बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनकी इंग्लिश तो परफेक्शन में होनी चाहिए और उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से इसी तरह का कोई बहुत ही उपयोगी, बहुत ही यूज़फुल कोई आपको टॉपिक बताने की कोशिश करूँगा, जिसको सीख करके आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने में बड़ी आसानी होगी और आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो काफ़ी लोगों के काम आएगा तो मैं उस पर आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। जाने के पहले मैं आपको यही बोल सकता हूं दोस्तों कि ज़रूरतमंद इंसानों की मदद, जानवरों की मदद, चिड़ियों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।